हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो मैं आज फिर आ चुकी हूँ अपने उसी घिसे पिटे डायलॉग के साथ कि आज का डे हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है। बट मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि हमारे घर पे इतने स्पेशल स्पेशल लोग आते रहते हैं। कभी मेरे मायके वाले आते हैं, कभी मेरे ससुराल वाले आते हैं, एंड जो आज आ रहे हैं वो आई डोंट नो मैं उनको किन कैटेगरी में रखूंगी, क्योंकि आ रहे हैं मेरे भैया एंड भाभी। अब भैया है तो उनको मायके वाली कैटेगरी में रखना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी। तो बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि उनको मैंने मिलाया था अपने भैया से एंड फिर दोनों की शादी हो गई, तो वो आ रहे हैं। तो और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि रेनू जो है मेरी भाभी, वो उसका कल बर्थडे है। तो बर्थडे है तो अब आप सोच रहे होंगे मैं सरप्राइज दूंगी, बट मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं करा है अभी तक, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपको पता ही है कि वायरल फीवर कितना ज्यादा फैल गया है। तो वही सेम वायरल फीवर मुझे भी हो गया था, रेनू को भी हो गया था, एंड रोहित को भी अब थोड़ा थोड़ा होने लग गया है। तो हम कंफ्यूज थे कि आएंगे नहीं आएंगे, कैंसिल कर दे बस को, ऐसा चल रहा था बहुत टाइम से। बट फाइनली अब वो वहां पे बैठ चुके हैं एंड आई थिंक मिड तक पहुंच चुके होंगे। सो अब मैं सोच सकती हूँ कि हाँ वो लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, इतनी बात हो गई। अब कल जन्माष्टमी भी है एंड उसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे मायके में जन्माष्टमी आज मना चुके हैं। मुझे पता नहीं था कि ऐसे दो दिन की कंफ्यूजन जन्माष्टमी में भी चल रही है, वरना मैं कंफ्यूज रहती। मुझे तो यही था कि कल ही जन्माष्टमी होगी, मतलब 7th of September। बट ठीक है यार, अपनी अपनी वो है, मैंने कल माना था कल मनाऊंगी, इसमें कुछ वो थोड़ा ना कि भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे कि हाँ आज आज नहीं है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जिन जिन भगवान का फेस्टिवल होता है या जिस जिस मंदिर में हम जाते हैं, तो हम धीरे धीरे उन भगवान जी की मूर्तियां लेके आते हैं। तो जैसे कि कल जन्माष्टमी है तो हमको लानी है कान्हा जी की मूर्ति। बट कान्हा जी की मूर्ति मैंने सुना है कि जो लाते हैं तो उनको पूरा वो करना पड़ता है, बट आई नो कि मैं नहीं कर पाऊंगी इतना सब कुछ, क्योंकि मेरे मायके में मेरी नंद मेरी दीदी जो है वो करती है। तो हमने उनसे पूछा तो पापा जी ने कहा, मम्मी जी ने कहा कि वो तेरे ऊपर श्रद्धा है कि तेरे को जैसे रखना है वैसे रख ले। तो मैं ला रही हूँ कान्हा जी को भी, तो अभी जल्दी से मैं और रोहित जाते हैं, कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी ये सब लेके आते हैं। तो स्पेशल है ना, तो अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है, हम क्या क्या तैयारी करते हैं। A few moments later. क्या हो गया सेम? 12 seconds later. तो अभी आपने देखा होगा कि ये लोग आ चुके थे और अब हम जा रहे हैं मूवी देखने के लिए। जो लाइट है उसी में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम कार के अंदर बैठे हैं, और हमारी मूवी थी 11:30 बजे की, 11:35 हो चुके हैं और अभी तक हम कार में ही हैं क्योंकि हम आए हैं केक लेने के लिए। और ये चुप चुप बैठी हुई है ना इतनी देर से, इसका है 12 बजे के बाद बर्थडे 7 तारीख को बर्थडे। हाँ, तो फिर पता नहीं मूवी देखेंगे, केक खाएंगे, केक कट करेंगे, पता नहीं क्या है। तो आपको सीधा मिलते हैं हम मूवी के लिए। और मूवी कौन सी देखने जा रहे हैं हम? नाम बोलिए वो रहे उसकी आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल। अच्छा दादा, तो अब हम पहुंच चुके हैं मॉल और हमारे साथ पहले ही धोखा हो चुका है। केक पता नहीं मैंने कितना करा था और इतना सा आया है। अब हम भैया से बोलेंगे कि प्लीज हमें केक हॉल में ही काटने दो। जुगाड़ देखो जुगाड़। सो गाइस, ये पहली बार 3 मिनट पहले हम केक काट रहे हैं PVR गोल्ड सिनेमास के सामने। तुम्हारा फास्ट शुरू हो जाएगा, जल्दी काट लो। बर्थडे कैमरामैन रोहित के साथ प्रीति नवाप्रीत तक। मोमेंट हो गया, मोमेंट मोमेंट भी क्या, एक मिनट बचा है फास्ट स्टार्ट होने में। अरे इसको बंद है, ये सब बंद है, ये सब बंद है। गए भाई दीदी से, तो गई तेरी टाइम फिस।
गाइस देखो कितने भूखे लोग हैं ये, ये दोनों भूखे लड़के, ये देखो हम आधे घंटे से ज्यादा हमारी मूवी निकल चुकी है फिर भी इनको केक की पड़ी है। जल्दी 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 एक अच्छा पति दो प्यारे बच्चे। गाइस रात के 2 बज रहे हैं और इन लोगों को मॉल से घसीट के लेके जा रहा हूँ मैं। मुझे लगा देखो गाइस लिफ्ट आ गई है। The next day. Good morning guys. Happy Janmashtami. So, आज सब थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि हम रात को बहुत ज़्यादा लेट आए थे। हमने 11:30 वाला तो शो ही देखा था मूवी का, तो देखते देखते बहुत ही लेट हो गया और उसके बाद गबरू ने रात को इतना परेशान करा है और मेरे गले की बच चुकी है बैंड क्योंकि वायरल तो था ही और ऊपर से AC ने पूरा गला बंद कर दिया। बट मैं फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई क्योंकि अभी सब रेडी नहीं हुए, सिर्फ मैं हुई हूँ क्योंकि मुझे जन्माष्टमी की पूजा भी करनी है। हम छोटे से कान्हा जी लेके आए हैं जिनको बैठाना भी है एंड मुझे रेनू ने अभी भी बताया कि छोटे से कान्हा जी को ना वैसे करना होता है कि मॉर्निंग में नॉर्मल तैयार करना होता है और रात को जैसे छोटे बच्चे को बर्थडे के लिए तैयार करते हैं वैसे तैयार करना होता है गला। तो मैं करती हूँ जल्दी से उनको रेडी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। शायद उसके बाद हम स्कॉन टेम्पल या कहीं घूमने वगैरह भी जाएंगे, तो मिलते हैं फिर उसके बाद। तो ये सॉन्ग मैंने अभी इसलिए चलाया था क्योंकि इससे ना मेरी एक बचपन की मेमोरी मतलब मुझे याद आ गई कि ना जब मैं छोटी थी तो मतलब बचपन से दादी ना ये गाना गाती थी, मतलब कीर्तन होते थे या ऐसे नॉर्मली भी दादी गुनगुनाती रहती थी ये वाला सॉन्ग। तो अब मैं ये वाला सॉन्ग ऐसे सुन रही हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला ना कॉपी है, रियल वाला दादी वाला ही था। तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने। 3 hours later जहाँ हम कल रात को थे आज हम फिर वहाँ पर आ चुके हैं, बट अभी हमारा रूप चेंज हो चुका है। बेचारी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पर। 3 बजे रोटी खा रहे हैं। हाँ सुबह से नॉनवेज भी कुछ नहीं खाया था, इनका हाफ डे का कृष्ण जी का फास्ट है मतलब जन्माष्टमी का, और अभी ये लोग खाना खा रहे हैं। मिल जा रही है फ्रूट चाट और शायद कोल्ड कॉफी। और ये मेरा आ चुका है। यह जले पे नमक, ये एंड नाउ ये है जले पे ठंडक। 1 hour later तो गाइज हम आ चुके हैं अब रॉक गार्डन, आज की हमारी ये सेकंड डेस्टिनेशन है शायद खाना खाने के बाद। तो यहाँ हम आए थे आई थिंक कौन से 2014 में आए थे हम, जब हमारा कॉलेज में न्यू न्यू रिलेशन स्टार्ट हुआ था सबसे पहली जगह जो थी हम यहाँ पर ही आए थे। तो आज हम सेकंड टाइम आए हैं इन दोनों को लेके। गाइज ये है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन जिसको कहते हैं, अगर आप चंडीगढ़ आएँ तो यहाँ घूमना ज़रूरी है। और अभी हमारे फैमिली गेस्ट हैं जिनको हम लेकर आए हैं, अभी आप लोग आते रहोगे, हमारे रिश्तेदार जितने हैं आप आते रहेंगे, हम आपको यहाँ घुमाते रहेंगे, फिर यहाँ से हम थोड़ा हिस्सा मांग लेंगे। प्रवेश करके हम इसमें खो जाएंगे। ओह माय गॉड असली झरना तो उधर है गाइस, तुम इधर वो कर रहे हो। ओ भाई मैं वही तो कह रही थी जो वो वाला फील था।
का नाम कार्टून वाला ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं कहीं घूमने आते हैं बट अपनी चाय की तारीफ नहीं भूलते। कल तक जब तक तुम लोग यहाँ पे होगे फिर पूछेंगे और चाय कैसी लगी, चाय कैसी लगी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं, 2 किलोमीटर बाद बैठने की जगह, फिर बैठेंगे वहाँ। 2 किलोमीटर बाद बैठने की जगह है, वहाँ बैठेंगे। टोटल ये 17 है। चलो तुम लोग क्या मन्नत मांगना चाहोगे? ओ ये तो वो हाँ मेरी अगली वीडियो, मेरी हर वीडियो चल जाए, भगवान मेरे जल्दी से 10 मिलियन कर दे। अरे दादा वादा की तरह बात मत करो, एक कोई मन्नत बताओ। हम हमेशा सदा खुश रहे, कर दी दादा वाली बात। गाड़ी का पेट्रोल खत्म ना हो, कभी लाइट ना जाए और बिजली का बिल ना आए। तेरी मन्नत मेरा चैनल से मिल जाए। तो गाइस ये हमारी मेहनत करूं, हाँ ये पहले मेहनत करे उसके बाद उसका चैनल भी बहुत बड़ा कर देना। भाई भाई भाई। तो गाइस ये है डॉल म्यूजियम, इसमें जितनी भी ये डॉल्स हैं, डॉल्स तो नहीं बंदर ज्यादा लग रहे हैं, ये सारे बने हैं कूड़े से। माय मिस्टेक डॉल म्यूजियम नहीं है, ये बंदर म्यूजियम है। डॉल म्यूजियम यहाँ पे आएगा, डॉल म्यूजियम आएगा गाइस, डॉल नहीं। क्या हो गया, 3 मुंह कैसे निकल गए इनके? 2 मुंह क्या चाहते थे पता नहीं। और मोर, मोर की तो अलग ही कहानी है, उदे पीछे से पता नहीं क्या ही उठ गया। देखो खोल लिया भाई, ये जेट बन के उड़ेगा। हाथ खोल दिया भाई ने। यहाँ पे रोहित भी मिल गया है हमको, ये देखो चाय वाला रोहित। शशि भैया कहाँ हैं बताओ, कौन सा स्टेप कर रहे हैं ये? ये अब तक का सबसे ब्यूटीफुल था, ये पूरा चूड़ियों से बना है। ये देखो इसके ऊपर ना अलग से टेपिंग करी हुई है ताकि खराब ना हो। भैया किसका है ये? टॉयलेट का। हाँ हाँ ये देखो ना, टॉयलेट सीट का है। ये देखना ये वाला। ओह यस, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं चूड़ी वाले। भाई ये है असली खुशी, ये है असली स्ट्रगल। देखो रुक, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे फोटोज भी क्लिक करा सकते हैं जो 500 की 30 पीस देते हैं, ये थोड़ा बार्गेन वगैरह भी कर सकते हैं आप इससे। गाइस इनका ना प्री वेडिंग शूट नहीं हुआ था तो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। अरे सर एक दूसरे को देखना था, जाओ मैं दोबारा। लाइट्स कैमरा एक्शन, एक दूसरे को देखो गाइस। बस 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 बस, शॉट है शॉट है शॉट है। दिखाओ भैया, क्या चार्जेस लेते हो आप? 530। Later that same evening. Guys, आज इसका फास्ट था जन्माष्टमी का, तो हमने क्या किया, प्लान किया इस्कॉन टेम्पल जाने का, सो दैट ये अपना फास्ट भी खोल पाए। अगर वो घर जाके खोलेंगे यहाँ पे दर्शन कर लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल चंडीगढ़ गई, एंड उसके बाद जाएंगे हम घर, सजाएंगे कृष्ण जी को अच्छे से क्यूट क्यूट से, उसके बाद पूजा करेंगे और फिर 12 बजे खाना खाएंगे। देखो गाइस पूजा करने का टाइम हो रहा है और ये खाना खा रहे हैं। भाई पूजा करके हम खाएंगे 12 बजे तक खाना, तब तक हम अपनी भूख को शांत करने के लिए सेवा लेंगे। यस, और आपको एक और चीज बतानी है, मैं पूजा करके बताऊंगी। तो यहाँ मैंने मंदिर सजाने की तैयारी कर ली है, और आज का सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम ये है कि आज के हमारे शेफ हैं शशि भैया। ओ माय गॉड, तो भैया आपको खाना बना के कैसा लग रहा है? तो अभी हम लोग सब चांद की राह देख रहे हैं। मुझे पहली बार पता चला है कि
जन्माष्टमी में भी चांद को देख के व्रत खोलते हैं क्योंकि हम पहाड़ी हैं। यस पहाड़ी ये लोग देसी हैं। देसी लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। प्राउड टू बी उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के वो नहीं करते इतना सब कुछ, बट देसी लोगों के साथ शादी होती है तो करना पड़ता है। आओ कान्हा भोग लगाओ मेरे गिरधर भोग लगाओ, बिलन के बेर सुदामा की तंदुल रुच रुच भोग लगाओ। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। बधाई हो बधाई हो। लल्ला हुआ है हमारे घर लल्ला हुआ है, मिलने आ जाओ। जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Happy birthday to you, happy birthday dear Kana ji, happy birthday to you, hey cute, cute, cute.